हेलो गाइस, आई होप ऑल इज़ वेल। गाइस, आज मैं बात करने के लिए आया हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड। मान लिया आप जो हैं नए नए बिजनेसमैन हैं और मार्केट में जो है उतरे हुए हैं, तो मार्केटिंग जो है आप कब शुरू करेंगे? या तो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा हो तब मार्केटिंग करेंगे, या बिज़नेस नहीं चल रहा बिल्कुल भी तो मार्केटिंग करेंगे? किस कंडीशन में मार्केटिंग होगी? तो ज़्यादातर लोगों का जो है आंसर वो यही होगा कि साहब बिजनेस नहीं चल रहा है इसलिए जो है उस टाइम हम मार्केटिंग शुरू करेंगे। और यही टाइम जो है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का होता है कि जिसमें आप जो है फंस के रह जाएंगे। वो क्यों, देखो मैं बताता हूँ। वो ऐसे मान लिया कि आप जो है अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में गए मार्केटिंग करने के लिए। अब जो बायर्स हैं वो बातचीत से जो है वो आपकी समझ जाएगा कि भाई साहब जो है फंसे हुए हैं और सेल वेल इनकी कुछ नहीं हो रही है। तो क्या करेगा, वो आपसे नेगोशिएट करना शुरू करेगा। जैसे कि मान लिया आपने प्रोडक्ट बताया उसको कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज़ का है, तो वो कहेगा भाई साहब मैं तो उसको 70 रुपये में लूँगा। आप कहोगे नहीं भाई साहब इसमें तो बहुत नुकसान हो गया, ऐसे नहीं है ना। तो कहीं डील जो है 75 में जाके डील जो है वो नेगोशिएट हो गई, और आपने सोचा यार मरा गिरा जो कुछ मिल रहा है मिले ले लो यार, चलो यार आगे बढ़ो, ठीक है ना सेल के लिए। तो यही काम अगर आप बिजनेस चल रहे होते आपके और आपने ये काम किया होता तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन में नेगोशिएट करते ना। तो गाइज मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप एक्शन लें। थैंक यू।